आधुनिक हथियार, सटीक निशाना और पल भर में दुश्मन को नस्ते नाबूद करने की तैयारी, यह है हिंदुस्तान के जाबाजों के साथ अमेरिकी स्पेशल फोर्स के जवानों का संयुक्त युद्धाभ्यास वज्र प्रहार। हिमाचल प्रदेश के पकलोह की वादियां इन दिनों हिंदुस्तान के दम की गवाही बन रही। बंदूकों की ये गर्जना हिंदुस्तान के दुश्मनों से महफूज रखने की हुंकार है। आतंक पर प्रहार और दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने की रणनीति यहां अमेरिकी जवानों के साथ मिलकर बनाई जा रही है। बकलो में हो रहा वज्र प्रहार भारत और अमेरिका की संयुक्त युद्धाभ्यास के 13वां संस्करण है। इस अभ्यास को कामयाब बनाने के लिए हिमाचल के बकलोह में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल को चुना गया। यहां अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस ग्रुप के जवान भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो के साथ 21 दिनों का अभ्यास कर रहे। वज्र प्रहार के दौरान दोनों सेनाएं पहाड़ी इलाकों में युद्ध का अभ्यास कर रहे। इस दौरान आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने की प्रैक्टिस की जा रही। दुर्गम इलाकों में जल्द से जल्द पहुंचने का अभ्यास किया जा रहा। मुश्किल हालात में फंसे सैनिकों को सुरक्षित निकालने का हुनर सीखा जा रहा। दुश्मनों की आसमानी साजिशों को नाकाम करने की काबिलियत परखी जा रही। अपनी ताकत को और निखारने के लिए अमेरिका और भारतीय सेना पिछले कई वर्षों से लगातार युद्धाभ्यास कर रही। भारत और अमेरिका इस युद्धाभ्यास की मेजबानी बारी बारी करते हैं। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर के महीने में अमेरिका के लेविस मैकार्ड बेस में ये युद्धाभ्यास हुआ था। संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं बर्फीली पहाड़ियों पर भी अपनी सैन्य क्षमताओं को परखती हैं। रात के अंधेरे भी दुश्मन को तलाश कर ढेर करने की प्रैक्टिस की जाती है। अगर आतंकी किसी घर में छिपे हों तो बिना किसी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए आतंकियों को ढेर करने का अभ्यास किया जाता है। यानी कि दुश्मन ना तो किसी घर में पनाह ले पाएगा और ना ही अंधेरे का फायदा उठाकर भाग पाएगा। तैयारी ऐसी है कि किसी भी सूरत में आतंकियों का ढेर होना तय है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने की स्क्रिप्ट तैयार है। भारत में ये युद्धाभ्यास ऐसे वक्त हो रहा जब चीन और ताइवान के बीच तकरार बढ़ी हुई है। जाहिर है भारत और अमेरिका का ये युद्धाभ्यास चीन को बेचैन कर रहा होगा। अपनी हरकतों की वजह से चीन भारत और अमेरिका दोनों का दुश्मन बन बैठा है। अक्टूबर के महीने में भी उत्तराखंड में चीनी सीमा के पास भारत और अमेरिका का एक संयुक्त युद्धाभ्यास होना है, लेकिन अक्टूबर से पहले ही अमेरिकी कमांडो की ये टीम भारत में वज्र प्रहार युद्धाभ्यास के लिए पहुंची है। ये युद्धाभ्यास भले ही चीन की आंखों में खटक रहा हो, लेकिन ऐसे युद्धाभ्यास से भारत और अमेरिका की सेनाओं को एक साथ मिलकर किसी मिशन को अंजाम देने में मदद मिलती है। खैर, ये युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच बेहतर सैन्य तालमेल की बुनियाद है। ये दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की मिसाल है। ऐसे युद्धाभ्यास के जरिए ही दोनों देश आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे। ऐसे युद्धाभ्यास की वजह से ही दोनों देशों के दुश्मन अपनी साजिशों को अंजाम नहीं दे पाते। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।